नमस्कार। लाइव सेशन में मैं दीक्षांत मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के डिफेंस फोर्सेस का हमेशा से हमारी लाइफ में एक इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आज मैं और आप एक चैन की नींद सो रहे हैं तो उसके पीछे हजारों लाखों सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और उनके रिटायरमेंट के बाद हम उनको एक छोटा सा एक थैंक यू के तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी दे सकते हैं वो कम है। तो आज एक नई सर्विस हम शुरू करने जा रहे हैं CSC के थ्रू, और आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारे साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स जो ज्वाइन किया हुआ है, ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया हुआ, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ त्यागी सर जो CSC टीम से जुड़े हैं, कौशल सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अब CSC के थ्रू हम लोग डिफेंस सर्विसेज डिफेंस जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन दे पाएंगे। तो ये बहुत ही नया कदम है, अच्छा कदम है जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में और जानेंगे। मैं सबसे पहले जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CSC SPV डॉक्टर दिनेश त्यागी सर से रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू दीक्षांत, और सभी को नमस्कार। सब ये जी जो आज हमें सुन रहे हैं, हम सबको धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो रजनीश कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आपकी टीम, आपके जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने CSC के साथ ये मुहिम शुरू की। देखिए, यूएनईस को समझना चाहिए कि हमारे जो यूएनईस सोशल एंटरप्रेनर्स हैं, समाज की सेवा करते हैं सभी जिंदगी करके, और एक एंटरप्रेनरशिप और एंटरप्राइज बिल्ड करते हैं। दैट इज हाउ द होल स्कीम इज बिल्ट इन दैट फैशन। और बहुत सारे काम करते हैं जिसमें पैशन है, कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, और लोगों को सपोर्ट करते हैं। और देश में 4.5 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, और ये कॉमन सर्विस सेंटर्स जो करीब 70,000 तो महिलाएं चलाती हैं, और वो बहुत अच्छा काम करती हैं। उन महिलाओं का कमिटमेंट, कनेक्शन, और उनकी एबिलिटी टू मोबिलाइज पीपल इज वेरी लार्ज। और लोगों में जो विश्वास है उन महिलाओं के साथ, वो बहुत ज्यादा है। और चूंकि टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सिंपल है, हमारे लिए भी आसान है और लोगों के लिए भी आसान है। इन ऑर्डर टू गेट ऑल द सर्विस, भारत सरकार ने जब कॉमन सर्विस सेंटर की स्कीम शुरू किया था तो एक पर्पज यही था कि लोगों को उनके घर के पास सारी सुविधाएं दी जाए जो उन्हें सरकारी ऑफिस से लेने की जरूरत पड़ती है। And that is how the common service center scheme was started. काफी अभी सर्विस हम डिलीवर करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच अ पर्सन इन द विलेज नीड्स कैन बी नाउ एक्सेस थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर। और आज हमारे साथ जो ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं इस देश में, उनकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ परेशानी है, उनको भी कुछ सेवाओं की जरूरत है। तो भारत सरकार का ये यूनिक इनिशिएटिव डिफेंस मिनिस्टर स्पर्श प्रोग्राम, जो कि ये प्लेटफॉर्म बना है एक्स सर्विसमैन की सहायता करने के लिए। और ये एक्स सर्विसमैन अभी देश में करीब 3 मिलियन के करीब है, $32 है, तो काफी लार्ज नंबर है। दूर दराज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और उनकी मदद करने के लिए, उनको जो परेशानी होती है अपनी पेंशन के बारे में समझने के लिए, पेंशन में नाम और डिटेल शेयर कर चेंज करने के लिए, या कोई भी सर्विस जो स्पर्श में अवेलेबल है उसको एक्सेस कराने में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के लिए भी उन एक्स सर्विसमैन की मदद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग, और नॉट ओनली दैट, हम लोग स्पर्श के प्रोग्राम की उनको मदद करेंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि उनकी बाकी जो अगर परेशानियां हैं इतनी भी देरी नहीं, जैसे हमारे पास बैंकिंग की सर्विस है तो उनको शायद बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन ड्रॉ ऑल द मनी दे रिक्वायर टू ड्रॉ ओनली फ्रॉम द लोकेशन वेयर दे आर लिविंग इन हमारा CSC। अगर कोई ज्यादा वृद्ध है या उनको परेशानी है या सिक है, उनके घर में जाकर के हमारा तो उनकी पेंशन को विड्रॉ करा दे जाए। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम तो वैसे भी बहुत अच्छा है। हम लोग गाँव में, हर गाँव में लोगों को बैंकिंग की सर्विस देते हैं और इंश्योरेंस की देते हैं, पेंशन की स्कीम की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो भारत की नेशनल पेंशन स्कीम है। तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है सर्विस मैन की, हम लोग इस स्पर्श के माध्यम से उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। हम लोग तो कोशिश बहुत पहले ही कर लिए थे कि एक्स सर्विसमैन को भी हम CSC बना लें, उनको भी ट्रेन करके दे कैन ऑल्सो बिकम चैंपियंस ऑफ प्रमोटिंग डिजिटल सर्विस डिलीवरी। तो उनको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उनका भी विश्वास लोगों पर बहुत ज्यादा होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से बनी होती है। And then we do some part of the work. And we can train them. We can also provide some of the kind of necessary computing infrastructure which are required.
कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रिक्योर कर सकते हैं एंड डू दैट पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग किसी को अगर लोन लेना है, अगर वो लोन की सर्विस लेना चाहता है, हमारे पास काफ़ी सारी लोन प्रोडक्ट्स हैं, सारी बैंकें हैं, कुछ NBFCs के भी हैं, विच इज ईजी फॉर देम टू ट्राई एंड एक्सेस, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वो लाइन या कहीं जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू दैट पार्ट। आजकल तो हम वैसे कार और स्कूटर और ई बाइक भी अलाउ करते हैं, तो आप अपने घर में बैठ करके हमारे कॉमन सर्विस सेंटर से ही सारी चीजें ले सकते हैं, इजिली एक्सेसिबल टू दैट पार्ट। तो सर्विसमैन के साथ हमारा जो ये आज जुड़ाव है कि हमारी CAC को नई पहचान देगा, उनकी आइडेंटिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी को एक दूसरा मुहिम मिलेगा, लोग उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे, और ये सर्विसमैन हमारी रियली की जो थोड़ी एडवोकेसी गांव में है, दे विल बिकम चैंपियन फॉर दी प्रोग्राम टू बी आल्सो कम्युनिकेटेड टू द कम्युनिटी सो दैट दे कैन आल्सो एक्सेप्ट। पैन कार्ड, रेलवे टिकटिंग, एयर टिकटिंग, सब कुछ करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच अ सिटीजन नीड कैन बी एक्सेस टू कॉमन सर्विस सेंटर। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, और क्योंकि हम लोग सर्विसमैन की जो बाकी एनुअल जो उनका ऑथेंटिकेशन होता है, एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होता है, वो भी हम मदद कर सकते हैं। दैट आल्सो वी डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर देम। एंड एज आई सेड, नॉट ओनली दे देमसेल्फ, दे कैन आल्सो लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ देयर फैमिली। अगर उनको उनके परिवार के लिए कोई चीज चाहिए, कोई ट्रेनिंग, स्किल, एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास CAC में सब कुछ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उनकी मदद कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी कम्प्रिहेंसिव। तो वी नॉट ओनली ट्राइंग एंड सेइंग दैट फर्स्ट में आपको जो चाहिए वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपको और आपके परिवार को जो भी कुछ एडिशनल चीज चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट वी कैन हेल्प इन गेटिंग ऑर्गेनाइज फॉर देम। तो देश में एक्स सर्विसमैन को हमारे CAC थोड़ा मोबिलाइज करेंगे। आई थिंक व्हाट दे कैन डू इज दे कैन मोबिलाइज देम, और मोबिलाइज करके उनको बताएंगे स्पर्श के बारे में, स्पर्श के पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में समझाएंगे, और उनको वो सर्विस डिलीवरी करने में मदद करेंगे। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इट। हम लोग ये भी शेयर कर दें कि हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है, हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम और हमारे जो स्टेट टीम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सर्विसमैन ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में। तो आप लोग उससे मिलेंगे और उनसे एक सर्विसमैन को एक बार वर्कशॉप करके भी बुला के भी कर सकते हैं। वी कैन इवन मोबिलाइज, कॉल देम, इन्वाइट देम एंड देन एक्सप्लेन देम एंड क्रिएट दिस एज ए फैसिलिटी फॉर देम। भारत सरकार का बहुत बड़ा यूनिक इनिशिएटिव, उसकी पॉपुलाइजेशन विद इन द कम्युनिटी एंड मेकिंग द अंडरस्टैंड एंड यूज देम इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तो हमारे लोग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जो एक्स सर्विसमैन का ऑफिस है, उनसे मिलकर के डिटेल्स लेके और उनकी तकलीफें किस तरह हम दूर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, और स्पर्श के माध्यम से उनको क्या सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट विल डू इट। वी विल ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्टेट लेवल वर्कशॉप। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट में जो एक्स सर्विसमैन के ऑफिस है उनकी हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, उनको हमारे रिलीज को समझाएं, और समझा के लोगों की कैसे मदद की जा सकती है ये बताना बहुत जरूरी है। हम अपने CAC रिलीज से सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि एक्स सर्विसमैन की जो सर्विस है स्पर्श से, उसमें आपको उनसे पैसा नहीं लेना, दैट यू डोंट हैव टू टेक मनी फ्रॉम देम। वी विल ट्राई एंड गेट द गवर्नमेंट विद सपोर्ट एंड व्हाट एवर द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर, दोस कैन बी एक्सटेंडेड टू यू, सो वी विल गिव इट टू यू, बट डोंट ट्राई एंड एक्सपेक्ट or take any amount from the ex-servicemen, because these people have served the nation and you should be able to try and support। कुछ लोग अपने से मदद कर देना, कोई बात नहीं, एक फोटोकॉपी करने के लिए पैसा मत लेना, उस ex-servicemen की दुआएं मिलेगी और देश भी आपके गर्व करेगा। वी कैन ऑल डू दैट। हमारे लोग बहुत सारा करते हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, जो मैंने बोला 70,000 हैं, बहुत मेहनत करती हैं और बहुत सारे ऐसे काम करती हैं गरीबों की मदद करते हैं। दे डू ऑल्सो फॉर पुअर पीपल इन द विलेजेस। सो ex-servicemen association with the CAC is, as it says, game changing. It's very unique. It will redefine the way we can serve community, especially this segment of the society who actually protect us, as Dikshant said, our nation as well as provide us security. तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द 4,50,000 BLEs, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम हु हैज हेल्प्ड अस इन इंटीग्रेशन इन टू आर सिस्टम and also helped us in doing that part of it। So we assure you that हम वही commitment जो आपकी expectations है, हमारे ये बच्चे और बच्चियां जो गांव में रहते हैं वो सरकार की उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और किसी भी एक्स सर्विसमैन को कोई तकलीफ होगी हमारे ये बच्चे उनकी मदद करेंगे।
विल ट्राई एंड हेल्प देम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड डू देयर पार्ट देम. उसमें कुछ ग्रीवेंसेस का भी है तो वो ग्रीवेंसेस भी नोट करके कर सकते हैं. नॉट ओनली दे विल नोट डाउन द ग्रीवेंसेस, हमारा जो सिस्टम है हम उसमें उसकी मदद करते हैं तब तक वो रिड्रेस नहीं हो जाता है. जैसे मैंने बोला कोई कई लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं, नहीं जा सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उन सब की मदद उनके घर में जाके की जा सकती है. एंड दैट इज वॉट द सी एस सी इज मेंट फॉर. सो अगेन थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू दी रजीश जी एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ दी डिपार्टमेंट हु हैज हेल्प्ड अस इन टेकिंग दिस फॉरवर्ड. एंड वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल बिकॉज वी ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हु हैज बीन हिटहार्टो प्रॉब्ली वर गेटिंग इट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग देमसेल्फ. असिस्टेड फॉर्मेट है तो हम सबको हैंड होल्ड करके सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद. दैट इज हाउ सी एस इज. सो सभी रियली थोड़ा सा अपने आसपास के एक सर्विसमैन को बुलाना, उनको चाय पिलाना, उनको बताना, समझाना और उनको बताना कि हम आपकी मदद करेंगे अगर आपकी कोई परेशानी है उसको रिजॉल्व करने के लिए. अगर कुछ और नया करना है या उनकी परेशानियों को दूर करना है तो हमको बताइएगा, हम भी डिफेंस मिनिस्ट्री में उनकी भी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम भी मदद कर सकते हैं. तो थैंक यू एवरीबडी एंड ऑल द बेस्ट. नमस्कार. थैंक यू सो मच त्यागी सर. जैसा त्यागी सर ने हमें बताया कि एक सर्विसमैन ने पूरी ज़िंदगी हमारी सेफ्टी से सुरक्षा में निकाल दी और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कुछ भी तरीके से अगर हम उनकी मदद कर पाएँ तो क्यों ना करें. तो इस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आज CSE गर्व महसूस करते हैं हम सभी लोग कि हम इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ पाएँ और सभी VLEs हमें इसमें बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और एक सर्विसमैन की पूरी तरीके से मदद करें. तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं CGDA साहब हमारे साथ श्री रजनीश कुमार जी जुड़े हैं. पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सभी को एड्रेस करें प्लीज. थैंक यू वेरी मच दिनेश त्यागी जी, वेरी वेल सेड. यू नो आपकी बातों से हमें बड़ा दम मिला है और हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं सर्विस सेंटर में. मैं जस्ट एक चीज बताना चाहूंगा कि स्पर्श प्रोजेक्ट की USP क्या है. एक तो समझिए इसका फीचर ये है कि ऐसा स्केल किसी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री में पूरे भारत सरकार में नहीं है किसी के पास. 33 लाख पेंशनर्स और वो पेंशनर्स बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होने वाले हैं और संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. तो ऐसी हालत में ये जो स्केल है ये अनप्रेसिडेंटेड है ऐसा. और दूसरा उसका जो स्पर्श का जो USP था वो ये है कि बिल्कुल उनके हाथ में हम देंगे, पेंशनर के हाथ में कंट्रोल रहेगा, वो अपने से कंप्लेंट दायर कर सके, उसको कहीं भागना ना पड़े, कहीं चिट्ठियां ना लिखना पड़े, पोर्टल में जाके सॉल्व कर दें. हम भी एक चीज से जूझ रहे थे कि अब चूंकि हमने सेंट्रलाइज कर दिया है पूरा पेंशन की एक्टिविटीज तो हम तो एनोनिमस हो गए, हम तो दूर हो गए पेंशनर से. इलाहाबाद में हमारी टीम बैठी है, IT टीम दिल्ली बैठी जरूर है, लेकिन हम उस आम पेंशनर से तो बहुत दूर हो गए. और उस दूरी को कैसे दूर करें इसके लिए हमको यह सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट लाना था. तो शुरुआत तो हमने बैंक से की थी और पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 800 सेंटर्स को हमने बनाया जरूर सर्विस सेंटर. पर हमें ऐसा लगा कि ये काफ़ी नहीं होगा क्योंकि बैंक्स तो बैंक्स हैं, उनका मेन काम तो ये था नहीं कि, और वो संख्या उतनी बढ़ नहीं पा रही थी. 800 ही तक हम पहुंचे थे. अगर मान लीजिए उसको बढ़ाते भी तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो ऐसी ऐसी जगहों में हैं देश में, ऐसी ऐसी कोनों में हैं कि वहां पे हर बैंक की पहुंच नहीं है और वहां हर जगह हम अपना बैंक का सर्विस सेंटर बना भी नहीं सकते. तो आप हमें थैंक्स मत दीजिए प्लीज, हम आपको थैंक्स दे रहे हैं कि आप हमारी जिंदगी में आए. और आप आए तो हमें बहुत बल मिला है क्योंकि हमें वो सबसे बड़ी जो कमी थी हमारी, देखिए हम एनोनिमस हो गए, हम बैक स्टेज पे आ गए, अब पेंशनर हमारे बीच में कैसे फासला कम होगा, कैसे वो बात. ठीक है कॉल सर्विस सेंटर हम खोलेंगे, हेल्पलाइन रहेगी, मेल से तुरंत जवाब चला जाएगा, पोर्टल के थ्रू तुरंत जवाब, वो फाइन. पर एक ह्यूमन टच की जो बात हम करते हैं सर्विस में वो तो मिसिंग हो ही रहा था ना हमारे पूरे स्पर्श के जो प्रोजेक्ट का जो कंसेप्शन है उसमें. तो हमको लगता है कि आपको हमने जो पकड़ लिया तो हमने एक मैजिक वैंड पकड़ लिया है. हमें ऐसा लगता है कि आपके चलते हमारा बहुत काम सरल हो जाएगा क्योंकि देखिए आप हमारे इंटरफेस हैं, आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि आपका जो सर्विस होगा क्वालिटी वही हमारी क्वालिटी दर्शाएगा. होपफुली लोगों को बहुत कम टाइम, भगवान करे कि उनको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े आपके पास जाने की, पर मान के चलिए जाने की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे बहुत सारे सैनिक जो हैं बहुत
उनके पास शायद इंटरनेट की उतनी फैसिलिटी नहीं होगी, उतने इंटरनेट सैवी नहीं होंगे, तो उनको किसी की तो जरूरत पड़ेगी जाने की। तो आपके पास अच्छी खासी संख्या में लोग आने वाले हैं। हमें एक और बात की बड़ी खुशी है कि देखिए डिफेंस सर्विसेज का जो एक कल्चर हो जाता है, रहते हैं जो अपने में, बाद में उनको सिविलियन ग्रुप से इंटरेक्शन करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनकी जो तरीका होता है काम करने का, अंदाज वगैरह, वो तो बहुत ही सुपर डुपर एफिशिएंट और इफेक्टिव जैसा होता है। सिविलियन माहौल में उतनी बड़ी एफिशिएंसी नहीं होती है, उतना वो नहीं मिलता है। तो हमें इस बात की खुशी है कि आप इतने बड़ी संख्या के मालिक हैं, मतलब 4 लाख से ज्यादा सेंटर, सोच के ही हमको लगता है कि वाह, व्हाट अ एस्टैब्लिशमेंट, यू नो। तो ऐसा एस्टैब्लिशमेंट अगर इंटरैक्ट करेगा तो आप एक पूरे के पूरे सिविलियन, यू नो, सेटअप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हिसाब से, और आपका इंटरेक्शन हमारे 33 लाख 34 लाख जो आज की तारीख में है, और ये आगे भी संख्या बढ़ेगी, इतने पेंशनर के साथ आपका जो इंटरफेस होगा, दैट विल ऑल्सो हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल, यू नो, इट विल हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑल्सो ऑन, यू नो, डेवलपिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट ऑल्सो। हम वो भी काउंट कर रहे हैं आप पर, क्योंकि एक बार आप जाती जो गवर्नमेंट से कोई रिटायर एक बार हो जाता है, तो पेंशनर के लिए बस पेंशन ही एक चीज रह गई है इंटरेस्ट की। अगर उसको ठीक से हैंडल किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, और उससे वो गुडविल है जो सिविलियन सेटअप की, वो डिफेंस पर्सनल के मन में भी बढ़ेगी। हम आपको वो भी एक माध्यम मान के चल रहे हैं कि आपके थ्रू हम वो गुडविल जनरेट करवाएंगे उनमें। देखिए, वो जो कंपनसेशन की बात है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा ही हुआ है, पर आप निश्चिंत रहिए, हम उसी पर नहीं रुके रहेंगे। आपको किसी भी और तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी, हम खड़े हैं आपके लिए, और हम आपको पूरी तरह आश्वासन देते हैं कि यू नो वी आर पार्ट ऑफ योर टीम एंड यू आर पार्ट ऑफ आवर टीम, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। यू आर नो लॉन्गर डिफरेंट फ्रॉम अस। आपकी पहुंच इतनी ज्यादा है, आपके लोगों में जो वो है, जज्बा है काम करने का, सर्विस देने का, वो भी एक बड़ा यूनिक बात है। जैसा हमको सुनने में आया कि मतलब कई लोग तो वॉलंटरी के रूप में काम कर रहे हैं, ज्यादा पैसा वैसा भी नहीं मिल रहा है, फिर भी लगे हुए हैं। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे संस्था को अपना सर्विस सेंटर बनाना मेरे लिए गर्व की बात है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए गर्व की बात है। एंड आई थैंक यू वेरी मच, यू नो, फॉर गिविंग दैट काइंड ऑफ अनस्टिंटेड सपोर्ट। एंड आई प्रॉमिस यू कि जो ट्रेनिंग देना होगा, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स बनाने की बात होगी, हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। अपनी टीम हम भेजेंगे आपके मेन सेंटर्स में, वो हम वर्कआउट कर लेंगे कि कैसे करना चाहिए, आपके कौन से मेजर इलाकों में आके हमारी टीम आपके ट्रेनर्स को ट्रेन कर सकती है, फिर आपके ट्रेनर्स सारे उसको कर सकते हैं। वैसे भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली काइंड ऑफ हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप निश्चिंत रहें, और चलिए, एक शुरुआत हुई है हमारे साथ की, और इस साथ को हम आगे बढ़ाएंगे, और आपके आने से हमको एक सर और भी जो बैंक्स में सर्विस सेंटर खोलने का एक हमको दिमाग लगाना पड़ रहा था, हम उसको बंद करने वाले हैं। हमारे लिए आप ही काफी हैं, क्योंकि इतनी पहुंच तो किसी की नहीं हो सकती, और स्पर्श हमें चलाना है, अच्छे से चलाना है, क्योंकि आज जैसा आपने कहा, जिन जिन लोगों ने देश की इतनी बड़ी सेवा की, बॉर्डर पे रह के या कहाँ रह के, उनको अगर हम कम से कम यही एक चीज बहुत अच्छे से दे दें, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एंड नो वॉन्डर द गवर्नमेंट एट द हाइस्ट लेवल इज मॉनिटरिंग दिस, द गवर्नमेंट एट द हाइस्ट लेवल इज ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट कि आप हम कैसे डेवलप होते हैं फर्दर, और हमें हमारे डिपार्टमेंट के लिए स्पर्श एक सबसे बड़ा गौरव का प्रोजेक्ट है आज की तारीख। आगे भी हम बहुत अपने को ऑटोमेट करने वाले हैं निकट भविष्य में, लेकिन आज की तारीख में स्पर्श हमारा सबसे बड़ा सितारा है। इसके साथ जो भी लोग एसोसिएटेड है वो स्टार्स हैं हमारे, और ये जो हमारी टीम है जो इलाहाबाद में, उन्होंने मैजिकल काम किया है। हमारे डीएडी हेडक्वार्टर जो हमारे दिल्ली में है, वहाँ की जो हमारी पेंशन विंग की टीम है, उसने मैजिक की तरह काम किया है। हमारे सीडीए पेंशन डिस्पर्समेंट होते हैं मेरठ में, उनकी पूरी जो सब ऑफिस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सबका मिला जुला जो परिणाम है आज स्पर्श के रूप में आया है, और हमें बड़ी खुशी है कि आज स्पर्श को एक बहुत अच्छा हमदर्द, एक साथी मिला है सीएससी के रूप में, जो कि हमारे को प्रोजेक्ट करेगा। आप हमारे पब्लिक इंटरफेस हैं, इसलिए हम पे आपसे हमको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपसे बहुत आशाएं हैं कि आप हमारा नाम अच्छा रखेंगे, और पेंशनर्स का दुख दर्द पूरी तरह से खत्म करने में हमारी सहायता करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर त्यागी, एंड आपकी जो पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। आज राकेश नहीं है,
लेकिन उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनका भी जज्बा मैंने देखा उनसे मिलके, जो थोड़ी देर मुझे लगा कि बिल्कुल सही आदमी के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। और आज आपकी बात भी सुन के त्यागी जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। यू नो यू ऑल्सो हैव दैट, यू नो छोटी छोटी बातें आपने जो कही मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि भाई फोटो कॉपी का पैसा मत मांगना, ये मत करना, बड़ी अच्छी बात है। दैट्स द वे यू नो टू गो, एंड आई आई प्रोमिस यू आई विल बैक यू, एंड यू नो वी विल सपोर्ट यू इन एनी वे यू नो एज डीम फिट एंड एज इट इज फीसिबल फॉर अस, बट वी विल गिव अवर बेस्ट शॉट फॉर यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नमस्ते, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बस 1 मिनट और आप सभी का लेंगे, हम इस सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च करना चाह रहे थे। सार्थक आप पीपीटी प्रेजेंट करेंगे प्लीज। सो विद ड्यू परमिशन ऑफ त्यागी सर, रजनी सर, हम इस सर्विस को लॉन्च करना चाहेंगे। प्लीज गो अहेड। प्लीज प्लीज गो अहेड। सो डिफेंस मिनिस्ट्री की सर्विसेज, डिफेंस पेंशन सर्विसेज विल नाउ बी अवेलेबल थ्रू सीएससी। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारे सभी वीएलईज, डिफेंस मिनिस्ट्री की पूरी टीम को मुबारकबाद, सीएससी की टीम को मुबारकबाद। और रजनी सर ने जैसा कहा कि हम लोग आपकी ये जो पेंशनर्स तक पहुंचने की चिंता है ये अपने सर लेते हैं, और हम आशा करेंगे कि हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने पेंशनर्स की सेवा कर पाएं। सो इसी नोट पर मैं धन्यवाद करूंगा डिफेंस मिनिस्ट्री के सभी टीम मेंबर्स से हमसे जुड़ने के लिए। त्यागी सर आपसे जुड़ने, आपका हमारे से धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी वीएलईज का हमारे से धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ रहे। वाह, वेरी गुड। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मेल, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। थैंक यू नमस्कार सर। सभी को धन्यवाद। ओके, इसमें कुछ तो हो गया कि ये बिजली का है।